हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, प्लस आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और आपके टोटल कितने 50 एमसीक्यू आएंगे और आपका जो टोटल 75 मार्क्स का अब है सिर्फ एमसीक्यू हो रहा है, ठीक है। तो अब सिर्फ एमसीक्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि आपके लिए ये मार्क्स गेन करेगा। तो जो बच्चे भी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिनका भी सीजीपीए अगर कम है तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप कवर कर सकते हैं सीजीपीए को, ठीक है। जिनका भी सीजीपीए कम है, परसेंटेज कम है, तो यहाँ पर वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिन बच्चों को भी अगर कोर्स लेना है तो कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कोर्स यहाँ पर मैंने लॉन्च किया और काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स में भी इनरोल किया है, जो कि यहाँ पर आपको बीकॉम थर्ड फर्स्ट फिफ्थ सब कुछ भी नहीं पढ़ा, कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड होगा जिसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे एक्सपेक्टेड, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जब तक एमसीक्यू आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप एमसीक्यू जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके एमसीक्यू क्या हैं क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें, आपको कोर्स में इनरोल होने के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देंगे, एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर देंगे, एवरीथिंग उस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स की प्राइस जो है सिर्फ 399 है और 399 में ये बताओ आपको यूपीएच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग हम प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू होंगे। ऑलरेडी जो बच्चे भी हमसे पहले जुड़ चुके हैं उनको पता ही है कि कोर्स में क्या फ़ायदा है, तो आप उसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएंगी, हाँ वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे एक दो, लेकिन अगर आप 50 out of 50 क्वेश्चन सही करना चाहते तो भाई कोर्स में तो इनरोल होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज़ शेयर, ठीक है। यूनिट वाइज एमसीक्यू को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ शेयर, शेयर होता क्या है। तो शेयर एक तरह का टाइप ऑफ बॉन्ड है, ऑनरशिप इन अ कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो शेयर क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट थ्योरी सेशन भी हम लोग वीडियो इसको कवर करेंगे, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी सेशन वन शॉर्ट रिवीजन में भी, परेशान ना होना आप लोग। तो शेयर क्या है, इट इज़ अ ऑनरशिप इन अ कंपनी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच फीचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। शेयर कितने तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर की क्या विशेषता होती है, वोटिंग राइट्स, फिक्स्ड डिविडेंड होता है, रेजिडिवल क्लेम होता है एसेट्स पे की कन्वर्टिबिलिटी होती है। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि प्रेफरेंस शेयर का होता है, तो यहाँ पर देखो एक फिक्स्ड डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। तो जो भी डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले किसको प्रेफर दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो यहाँ पर एक ये विशेषता बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉमन शेयर्स में क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कॉमन शेयर्स में क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डेप्ट इन द कंपनी, बी है ऑनरशिप इंटरेस्ट विद वोटिंग राइट्स, सी है फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डी है प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। तो कॉमन शेयर्स में हमारे क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं ऑनरशिप इंटरेस्ट विद वोटिंग राइट्स। यहाँ पे कोई फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है डेप्ट इन द कंपनी, बट जो कॉमन शेयर्स होते हैं वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनरशिप इंटरेस्ट विद वोटिंग राइट्स, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स, मतलब बोनस शेयर्स को इशू करने का जो प्राइमरी जो मकसद होता है पर्पज़ वो क्या होता है, कि एडिशनल कैपिटल को जनरेट करना, जो भी शेयर होल्डर हैं उनको एक रिवॉर्ड देना, सी है पे ऑफ कंपनी डेब्ट्स की अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स। तो जो प्राइमरी पर्पज़ की अगर हम बात करें इशूइंग बोनस शेयर्स का, बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि दैट इज़ द रिवॉर्ड, मतलब जो भी शेयर होल्डर हैं उनको रिवॉर्ड देना, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव है विच टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनोदर क्लास ऑफ शेयर्स, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसको हम अनोदर क्लास ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनोदर क्लास ऑफ शेयर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर, तो शेयर क्या है यहाँ पर, दैट इज़ अ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, नहीं
ऑनरशिप स्टेक इन द कंपनी। देखिए क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। सी है कंपनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो जो शेयर होता है दैट इज अ ऑनरशिप स्टेक इन अ कंपनी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच टाइप ऑफ शेयर्स जो है टाइपिकली कैरीज वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं यहाँ पर वोटिंग राइट्स, और डिविडेंड किसमें प्रोवाइड किया जाता है दैट इज इन अ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दैट इज इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, प्राइमरी फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है नो डिविडेंड राइट्स, एक्यूमुलेटेड अनपेड डिविडेंड्स, वोटिंग राइट्स, कन्वर्टबिलिटी टू इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी जो फीचर होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का कि नो डिविडेंड राइट्स, एक्यूमुलेटेड अनपेड डिविडेंड्स, वोटिंग राइट्स, तो यहाँ पर दैट इज एक्यूमुलेटेड अनपेड डिविडेंड्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्स व्हाट डज आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, ऑप्शन की इंटरनल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस कंटेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक प्रीवियस ईयर है आपका उसका मिल जाएगा कॉर्पोरेट का, वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर व्हाट डज द आईपीओ स्टैंड फॉर, ये हम लोग पढ़ चुका है क्वेश्चन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ शेयर्स प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बट नो वोटिंग राइट्स, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि ये कौन सा शेयर है जिसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है जहाँ कोई वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट्स तो अभी हमने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर्स में दिया जाता है, लेकिन यहाँ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किस में प्रोवाइड किया जाता है, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर की क्यूमुलेटिव, तो दैट इज़ इन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है प्रोवाइड किया जाता है, बी ऑप्शन। सिक्स्थ है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस होती है एक फेस वैल्यू का शेयर में, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, अगर हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या, मार्केट प्राइस जो है शेयर की, वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, सी है बुक वैल्यू ऑफ द शेयर की, डिविडेंड पेड पर शेयर। तो जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारे शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट है वही वैल्यू हम उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज़ अ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है विच टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड, मतलब ऐसा कौन सा शेयर्स है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में एक सर्टन पीरियड के बाद, तो क्यूमुलेटिव शेयर्स, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सेवन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी, मतलब बाई बैक ऑफ शेयर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, फिर से उसको खरीदना, ये इंक्रीज ऑनरशिप डाइवर्सिटी, बी है रिड्यूस करता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कि सी है इशू न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, कि डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो जो पर्पस होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स का क्या होता है, ये जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस एंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है सारे के सारे, कौन रेगुलेट करता है इंश्योरेंस और ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इट रेगुलेट्स द इंश्योरेंस एंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, सेबी। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर फॉर अ कंपनी मीटिंग, अर्निंग्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रीमियम की लॉयल्टी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दैट इज डिविडेंड, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑनरशिप इन अ कंपनी, तो बेसिक यूनिट ऑनरशिप इन अ कंपनी कौन सी होती है, बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी। देखिए हर तरह के क्वेश्चन हम कराए, अभी हमने क्वेश्चन कराए थे कि ऑनरशिप ऑफ इन अ कंपनी किसकी होती है, तो शेयर की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन कंपनी दैट इज अ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ शेयर्स प्रोवाइड अ फिक्स्ड डिविडेंड एंड हैज़ प्रियोरिटी ओवर कॉमन शेयर्स इन टर्म ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा इसमें कौन सा शेयर्स है जो कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करता है लेकिन उसको कॉमन प्रियोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है, दी जाती है। किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स, तो दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट ऑनरशिप शेयर्स इन अ कंपनी। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनरशिप ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी शो करता है? टाइटल डीड, शेयर सर्टिफिकेट, ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, की स्टॉक वारंट, तो दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है, कॉमन शेयर्स में क्या क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ऑनरशिप एंड कंट्रोल, फिक्स्ड इनकम, प्रायोरिटी इन डिविडेंड, नो वोटिंग राइट्स। तो कॉमन शेयर्स में क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ऑनरशिप और कंट्रोल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसको हम कन्वर्ट किए जाते हैं इक्विटी शेयर्स में एक स्पेसिफाइड पीरियड में? रिडीमेबल शेयर्स, कन्वर्टेबल शेयर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स, की बोनस शेयर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्टेबल शेयर्स। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्राइस एट विच अ न्यू शेयर इज इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम, पार वैल्यू। तो कौन सा टर्म है फॉर द प्राइस एट विच अ न्यू शेयर इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रीमियम। सेवन नंबर क्वेश्चन है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर टाइपिकली पेड आउट ऑफ रिजर्व्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, की कॉमन स्टॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व्स जो होते हैं। विच टाइप ऑफ शेयर्स कैरी द राइट टू रिसीव डिविडेंड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड? मतलब ऐसे कौन से शेयर्स होते हैं जब डिविडेंड मिल जाता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया जाता है? क्यूमुलेटिव शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, की बोनस शेयर, तो ऑप्शन नंबर बी, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स? प्राइमरी पर्पस क्या होता है बोनस शेयर इशू करने का? ताकि न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, रिवॉर्डिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, रेजिंग एडिशनल कैपिटल, सेटलिंग कंपनी डेब्ट्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्राइमरी पर्पस यही होता है कि रिवॉर्डिंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं कि रेगुलेटरी जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस एंड ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, तो दैट इज सेबी, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उन्होंने ये सारे कमेंट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स? वोटिंग राइट्स, फिक्स डिविडेंड, ओनरशिप कंट्रोल, की कन्वर्टिबिलिटी। तो प्राइमरी जो फीचर होता है प्रेफरेंस शेयर का कि वहाँ पर एक फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच टाइप ऑफ शेयर रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन द कंपनी विथ रेजिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट्स? यहाँ पर पूछा है ऐसे कौन से शेयर्स हैं ऑनरशिप कंपनी में, तो शेयर तो प्रोवाइड करते ही हैं बट एक रेजिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स, की कन्वर्टेबल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है, इन टाइम्स ऑफ लिक्विडेशन विच शेयर्स हैव प्रायोरिटी इन रिसीविंग द कंपनी एसेट्स? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स, की कन्वर्टेबल शेयर्स, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेफरेंशियल शेयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच व्हाट फीचर डिस्टिंग्विशेस इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द प्रेफरेंशियल शेयर्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड? फिक्स्ड रेट, प्रायोरिटी, क्यूमुलेटिव नेचर, की पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स, तो ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ शेयर्स टाइपिकली कैरीज वोटिंग राइट मेजर डिसीजन ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, क्यूमुलेटिव, की रिडीमेबल शेयर्स, तो इसमें कौन से शेयर्स होते हैं? दैट इज इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 25 MCQs हम लोगों ने डिस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो लाइव सेशन लेना, लाइव सेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं लाइव सेशन ले लूँगी, ठीक है, जो कि जितने बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए।